हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का डे 23 में। हम लोगों ने कल डे 22 में 235 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 236 से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, मैंने सारे तरीके के सवाल आपको करा दिए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मेनली सब मिक्स्ड। एक तरीके के लिए से आप ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने हो सकता है उतने क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 236 से बिना टाइम खराब करे हुए। क्वेश्चन नंबर 236 क्या कह रहा है हमसे, एक मिनट। क्वेश्चन 236 हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस ए की जो वैल्यू है, कॉस ए इक्वल्स टू दे रखा है 7/25। हमें निकालना है टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए बर कॉट ए, हमें टेन ए प्लस कॉट ए की वैल्यू पता करनी है। कॉस ए की वैल्यू जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 7/25 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको जैसे मन चाहें वैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले इसको डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये हमने बना लिया, यहाँ पे इन्हें 90 डिग्री, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। कॉस क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला था पी बी पी एच एच बी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि साइन कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो जाएगा आपके पास ये 7 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। क्लियर, इस तरीके से आपने यहाँ पे कर लिया। फिर यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा और पाइथागोरस थ्योरम निकालने इसका बी सी निकाल लेंगे, मतलब कह सकते हैं कि 7 का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ए बी कितने आपके पास 25, तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ से ओवरऑल आपके पास हो जाएगा कि बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 625 माइनस का 49। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में 6 इधर आ जाएगा माइनस करने पे, इधर हमारे पास माइनस करने पे यहाँ पे 11 11 और 4 तो 7 आ सेवन और इधर हमारे पास आ जाएगा 576, तो बेसिकली 576 का अंडर रूट होता है, ये होता है 24 का, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 25। बस बहुत सिंपल से फिर हमें टेन निकालना है, तो टेन क्या हो जाएगा हमारे पास में, फिर से वही पी वी पी एच एच बी है ना, साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 7 प्लस में कॉट ए क्या होगा जस्ट अपोजिट 7/24। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। ठीक, इसको यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा हमारे पास में जो ओवरऑल 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 24 × 7 करेंगे 728 और 10 47 49 168 आ जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल जो आपका आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है 625/168, ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, ये आपका CBSE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 237 पे आते हैं। क्वेश्चन 237 से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 237 कि मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको कराए हैं शुरुआत से लेकर एंड तक, इन सारे क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से, सारी वीडियोस को बढ़िया तरीके से देख डालिए। मैं आपको उस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 करेक्ट, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2। क्लियर, अब यहाँ पे दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 है ना, तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ हमें कॉट है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या कि फिर से वही डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए है ना। ठीक, क्लियर, अब यहाँ से ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस होता है, तो ये देखिए ए ये है एक्चुअल में, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 1, हाइपोटेंस कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो ये कितना आ जाने वाला है, ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 - 1 कितना होता है 9 - 1 8 होता है, तो अंडर रूट 8 मतलब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2 आ जाएगा आपको। क्लियर, बस खत्म, हमें निकालना है कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा दिया तो थीटा, चलिए मैं ए नहीं दिया तो थीटा मानते हैं,
है ना, थीटा एंगल ये, ठीक है। अभी क्या है, टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की अगर वैल्यू देखें बच्चे, समझिए कि कॉट क्या होता है। कॉट हमारे पास हो जाएगा साइन कॉस टेन और कॉट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब टू अंडर रूट टू अपॉन में वन, इसका स्क्वायर प्लस में टू। तो यहाँ से अगर टू इंटू में टू टू जब फोर, और अंडर रूट टू, अंडर रूट कितना होता है टू होता है, अपॉन में वन और जब प्लस का टू, तो फोर टू जब एट टू जब सिक्सटीन प्लस टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी, तो ट्वेंटी सीधा आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इजिली आप उनको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक। और भी कई सारे तरीके हैं जिन तरीकों से उनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इसको मैं अगर रब कर दूँ, अगर इसी को सॉल्व करने का नेक्स्ट तरीका देख लीजिए, अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं ऐसा ना करूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर ना क्रिएट करूँ, बिना स्ट्रक्चर क्रिएट करके मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो उसको देखिए कॉट को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो कॉट स्क्वायर थीटा में अगर हम देखें, तो कॉट स्क्वायर थीटा जो हो जाता है हमारे पास में, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, करेक्ट। मतलब अगर देखिए आप, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर याद हो आपको, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, आई होप हाँ दिख रहा दिख रहा दिख रहा, ठीक। यहाँ थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है क्या, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा का, लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, सही बात है, हाँ भाई सही बात है, ठीक। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं यहाँ से चाहूँ, तो इस जगह पर जहाँ पर लिखा हो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन प्लस का टू, ठीक, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो एक्चुअल में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक जो होता है वो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन प्लस में टू, ठीक, क्लियर। इधर अगर मैं देखूँ तो टू इंटू में आ जाएगा यहाँ से वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस का टू और प्लस का टू, ठीक। प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का देखो तो साइन कितना है वन अपॉन थ्री, तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा कितना वन अपॉन नाइन, उसको पलटेंगे तो टू इंटू में वन अपॉन नाइन कितना हो जाएगा, इधर नाइन, तो हो जाएगा नाइन टू जा एटीन, हमारा आंसर कितना जाएगा एटीन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ शायद कुछ गलती हो गई है क्या, क्योंकि इधर एटीन आ रहा है उधर ट्वेंटी आ रहा था, टू इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा, कॉट हो जाएगा हमारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टू अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे, टू टू जा फोर टू जा एट और प्लस का टू, एट टू जा सिक्सटीन, हाँ सॉरी इधर भी आपका जब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें एट्टीन आंसर आएगा आपका, ट्वेंटी नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो उसको प्लीज़ ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा उसमें प्लस माइनस का इशू हो गया, उसमें भी आंसर सॉल्व करने में एटीन आएगा, और ऐसे भी आंसर सॉल्व करने में एटीन आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने कर दिया, टू कॉट स्क्वायर थीटा दिया, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी जैसे आप सॉल्व करना चाहें, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 238 पे, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या ये जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया ये आपका 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर, 2009 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 237 पे, क्लियर, 237, ये 37 होगा, 35, 36, 37, ये 38 है, क्वेश्चन नंबर 238, ठीक। क्वेश्चन नंबर 238 क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक्स स्क्वायर थीटा, इधर ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा, है उधर आ जाएगा वन माइनस का साइन थीटा, क्लियर। और मैं बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे इक्वल टू के दिया और बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ के। एक अगर याद हो आपको, अगर आपने सारी वीडियो ढंग से देखी हो, तो एक क्वेश्चन ने डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर क्वेश्चन भी यही था सेम लगभग लगभग, उसमें भी हमें वैल्यूज को फाइंड करना था, है ना, वो प्रूफ वाले में था, ठीक। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ देखूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ sec स्क्वायर थीटा की, तो sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है वन अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। इधर हमारे पास कितना है cos स्क्वायर थीटा,
तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का चला गया, कितना गया, वन आ गया, मतलब जो के वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, खत्म। ठीक है, देखिए एक एक लाइन के आंसर है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके मेरे लिए आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू पार्ट पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर जरूर प्रैक्टिस करिए। आपका 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 239। ठीक, क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239 क्या है, कह रहा है कि फाइव एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा एंड फाइव अपॉन एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर की, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका आया है CBSE 2010 में, बस खाली आपको क्वेश्चन को जज करना है, इसका सही अप्रोच पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक, दे रखा है आपको 5x इक्वल्स टू sec थीटा दे रखा है, और इधर 5 अपॉन x इक्वल्स टू 10 थीटा दे रखा है ना। ठीक, तो हमें क्या करना है, ओवरऑल अगर यहाँ पे देखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो कायदे से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी ले सकता हूँ, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत भाई, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो मैंने इसको लिख लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x को मैं लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू हो सकता है इधर से कि x इक्वल्स टू हो जाएगा sec थीटा अपॉन में 5। ठीक, और इधर मैं देखूँ तो इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू, इधर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन में फाइव, है ना। ठीक, क्लियर, हाँ ठीक है, इधर दिया हुआ 5x इक्वल टू sec थीटा, इधर दिया हुआ 5x इक्वल टू 10 थीटा, तो दोनों तरफ अगर मैं देखूँ तो x इक्वल टू आ गया है x इक्वल टू sec थीटा अपॉन 5, इधर आ गया x इक्वल टू 10 थीटा अपॉन में 5। क्लियर, अब हमें बताना है इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि हम पहले sec थीटा रखें या 10 थीटा रखें, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 tan थीटा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे यहाँ से, ओके 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 ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से फटाफट हम उसको करते हैं। क्लियर, अगर यहाँ पे देखो मैं दोनों को अगर कॉमन मतलब सेम कर दूँ तो sec थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 10 थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से sec थीटा इंटू में 10 थीटा इक्वल टू 5 जो 25। अब अगर मैं बात करूँ sec थीटा की, तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1 अपॉन में cos थीटा, 10 थीटा की बात करते हैं 10 थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। क्लियर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से जाएगा sin थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो sin थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा के लिए कितनी आ गई 25 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, ये आप आ गई आपकी कितनी 25। ओके 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 कहीं कुछ फॉल्ट हो गया क्वेश्चन लिखने में, कुछ गलती हो गई है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इधर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये सब चीज़ें मत करिएगा, है ना, जितनी चीज़ें को सबको मत करिएगा, आप सिंपल से क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसको भी मत करिएगा। ठीक है, इधर क्या कर लीजिए, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक, इधर अगर देखें ध्यान से तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 5x इंटू में एक्स माइनस का 5 अपॉन एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स। अब 5x की जो वैल्यू है वो कितनी है sec थीटा, तो यहाँ से जाएगा x sec थीटा आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 5 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 10 थीटा, तो हो जाएगा आपके पास में 10 थीटा अपॉन में x आ जाएगा। क्लियर, ठीक, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, है ना,
इस जगह से समझो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगा आपके पास में sec थीटा tan थीटा को लेके, वो आपको यहाँ पास सॉल्व करने पे आ जाएगा कि ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर sec थीटा माइनस कर tan थीटा, मतलब x sec को लिखते हैं 1/cos में cos माइनस का sin थीटा अपॉन में cos थीटा x, यहाँ से आपके पास आ जाएगा इस जगह से cos थीटा को कॉमन ले लिया मैंने। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन फंस रहा है, कहीं कुछ गलती हो रही है क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं एक मिनट बाद ये सारे डाउट आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। चलिए देखिए यही क्वेश्चन को आप शुरुआत से देख लीजिए फिर से, क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी कन्फ्यूज हो गए होंगे, पूरा क्वेश्चन को हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर, क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos sec थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x, और यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2 अपॉन में x, क्लियर, यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है, हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक, तो अभी यहाँ पे ध्यान दें, अगर ध्यान से हम देखें तो cosec थीटा इक्वल्स टू 2x है, cot थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन x है, तो यहाँ से जो मेरे पास आ जाने वाला है वो क्या आ जाने वाला है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 4 cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, इधर ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो cot स्क्वायर थीटा कॉस्ट हो जाएगा प्लस 2 2 4, इधर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, क्लियर, तो मतलब 4 अपॉन एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में जो बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस जगह पे कि 2 ब्रह बाहर रख दे, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/4 इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू अपॉन में एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ दिया हुआ आपके पास 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में कितना है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, क्लियर, ठीक, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख लिया, अब यहाँ पे 2 अपॉन, तो मतलब ये हो जाएगा एक्चुअल में 1/2 इंटू में, देखिए समझिएगा 1/2 इंटू में 1/2 से डिवाइड करें क्योंकि आप कितना दिया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर था, हमें यहाँ पे 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू दी गई थी, हम लोग ने क्या किया ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये अब हो गया 1/2 इंटू में 2 2 4 एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू सीधा कितनी लिख दी कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, अब उसको यहाँ से हटा देते हैं, अब समझिए यहाँ से 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ से जाएगा 1/2 कॉमन हो गया, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से जाएगा पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, अब भाई देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, अगर याद हो आपको आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा था क्या कि 1 cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos x स्क्वायर थीटा, तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, ये आपका पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 आंसर हो जाएगा, मतलब 0.5, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं 240 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 240 कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 240 पे, तो क्वेश्चन नंबर 240 हमसे क्या कह रहे हैं, जो क्वेश्चन को भी पीछे हम लोगों से गलत हो गया था, हम लोगों से क्या मतलब मुझसे ही गलत हो गया था, ठीक है, कि रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, हो जाती है गलती, हम भी इंसान ही हैं, ठीक है, क्लियर, फिर से उसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो डाउट है जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे दिया 5x इक्वल्स टू कितना दिया sec थीटा दिया, ठीक, यहाँ पे दिया 5 अपॉन x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, ये दिया आपको tan थीटा, है ना, तो
ओवरऑल कर लीजिए आपको निकालना था 5x square माइनस कर 1/x square। तो बहुत जैसे पीसी के सेम ऐसे कर लीजिए आप इसको। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये भी जो है ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25x² = sec² θ हो जाएगा आपका, क्लियर। तो यहाँ से x² = आ जाएगा आपके पास 1/25 sec² θ, ठीक। इधर मैं अगर देखूँ इस जगह पर, यहाँ पे अच्छा एक काम कर लीजिए, यहाँ पे काम क्या कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपका 5 मल्टीप्लाई होने वाला है, तो हम एक काम करते हैं इसको ले सकते हैं 5 × 5x² = sec² θ। तो कायदे से अगर मैं देखूँ 5x² को दे छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1/5 sec² θ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया गया ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको करते हैं सेम चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड 5 × 5 = 25, कितना जाएगा x² = कितना जाएगा 10θ हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ से कितना कर सकते हैं 5 × 5 / 1 × x² = कितना हो जाएगा 10θ, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 × x² को अगर मैं छोड़ूंगा तो हो जाएगा 10θ/5 आ जाने वाला है, क्लियर। तो मतलब 5x² की वैल्यू कितनी आ गई, 5x² की वैल्यू आ गई 1/5 sec² θ, 5x² की वैल्यू आ गई 10θ/5 आ गया, ठीक। मैं यहाँ से देखूँ इस जगह से तो हो जाएगा 5x², तो 5x² मल्टीप्लाई माइनस का 5/x², ठीक है। 5x² की वैल्यू कितनी है, ये 1/5 sec² θ, 1/5 sec² θ माइनस का 5/x² की वैल्यू कितनी है 10θ/5, ठीक है। 1/5 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास sec² θ माइनस का 10² θ। यहाँ पे स्क्वायर है भाई, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हम लोगों ने, हाँ, यहाँ से आ गया 10² θ। अब भाई वही सेम चीज क्या है, ये sec² θ माइनस 10² θ आइडेंटिटी क्या कहती है कि 1+10² θ = sec² θ। सो sec² θ माइनस 10² θ कितना होता है, 1 होता है भाई। तो 1/5 × 1 कितना आंसर आ जाएगा आपके, 1/5 आ जाने वाला है, चलिए ठीक है। आई होप बहुत सिंपल लगा होगा प्रश्न आपको, ये बहुत आराम से इजीली आप इसको कर ले गए होंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241 पे, है ना। 241 करते हैं क्वेश्चन को, ये आपके पास दो तीन क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 241 आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर करिए, ठीक, डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन अगर मैं और देख लूँगा सही कुछ, तो दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 241 ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, दे रखा है 4 tan θ = 3 दे रखा है। हमसे बोला गया है कि इवेलुएट फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin θ माइनस का cos थीटा प्लस का 1/4 4 sin θ प्लस cos थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन करिएगा, बहुत आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 10θ = 3/4, और फिर उसके बाद आप चाहें तो ट्राइंगल के थ्रू या फिर आप सीधा रेशियोज को फाइंड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, सोल्यूशन को कर सकते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 242 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 242। तो क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है ये भी आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, 3 cos θ = 1, और बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें निकालना है 6 sin² θ + 10² θ/4 cos θ। ये हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यूज हमको पता करनी है, ठीक है। 3 cos θ = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें 6 sin² θ + 10² θ अदर प्लस अदर अपॉन में 4 cos θ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना, वही सेम चीज, ठीक, जैसा अभी तक पहले करते हैं वैसे आप कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। यह भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया CBSE 2023
एक में पूछा गया क्वेश्चन आपसे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कुछ अलग टाइप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 243, तो क्वेश्चन नंबर 243 में क्या है, क्वेश्चन हमसे बोला है, कह रहा कॉस स्क्वायर 67 माइनस का साइन स्क्वायर 63 दे रखा है, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर 23 दे रखा है। तो अगर मैं बताऊं, ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछा गया था सीबीएसई 2018 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़े तरीके से आप सो कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 67 को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर 90 माइनस का, कॉस स्क्वायर 90 माइनस का क्या ले सकता हूँ मैं, इसको 23, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का साइन स्क्वायर 23। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, तो ये है एक्चुअल में कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस कन्वर्ट होता है साइन में और सीधा सीधा थीटा उतर आता है, तो यहाँ से कॉस कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन स्क्वायर में, और थीटा कितना है, थीटा 23 है हमारे पास, तो यहाँ से थीटा 23 आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर 23, सेम वैल्यू जो ए प्लस के माइनस कैंसिल आउट हो, कितना सर आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ, ठीक है, और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 244 और 245 करने के बाद इस पूरे एक्सरसाइज को एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लगभग लगभग ख़त्म है, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी चीज़ें था मैंने लगभग करा दिया आपसे। क्वेश्चन नंबर 244, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 244 हमसे क्या कह रहा है, देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन से बोल रहा है, क्वेश्चन 244, कोई भी एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा था कि 1 प्लस sec थीटा अपॉन में sec थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का cos थीटा, ये प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए जहाँ भी इस ऐसी चीज़ें दिख जाएँ साइन और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा, इधर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में cos थीटा, यहाँ सारे के पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा अपॉन में cos थीटा, करेक्ट, क्लियर, 1 अपॉन में cos थीटा इधर आ जाएगा, और यहाँ जब 1 अपॉन cos थीटा पलटेगा तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा, ऊपर चला जाएगा अपॉन में 1, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ओवरऑल क्या आ जाने वाला है, ये आ जाने वाला है 1 प्लस cos थीटा देने वाला है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इधर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का cos थीटा, तो इधर भी अगर सॉल्व कर लें तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ले सकते हैं क्या, इसको ले सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी के हिसाब से अगर याद हो आपको तो आइडेंटिटी है ना, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस का cos थीटा, तो यहाँ से ये इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी है ना, और ए माइनस बी नीचे आपके पास क्या जाएगा 1 माइनस का cos थीटा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, आपके पास क्या जाएगा 1 प्लस cos थीटा। चलिए LHS इक्वल्स टू RHS हो गया और हमारा आंसर आ गया, हमने प्रूव कर लेगा, ठीक है, क्लियर। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 244। नेक्स्ट कर लेते हैं 200 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 245 क्या हो गया है, ये भी आपका, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, अब एक कोई प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया से देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक, और यहाँ से फिर ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी पूरी एंड हो जाएगी, क्योंकि अब उसके बाद फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन मैं जस्ट इसके बाद ही चालू कर दूँगा, हाइट एंड डिस्टेंस कराना, ठीक है। तो कल से जो आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो हाइट एंड डिस्टेंस की मिलेंगी, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन वीडियोज़ मिलने वाली है आपको, क्लियर। अभी आप आज ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, इसका आखिरी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि sec थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 4x, ऐसे दे रखा है ना, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2x आएगा, है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कितना आने वाला, 2x आने वाला। हमें ये प्रूव करना है कि sec थीटा इक्वल्स टू दे रखा है
एक्स प्लस वन अपॉन में फोर एक्स हमें दे रखा है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि सेक्स टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर याद हो आपको कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वापस सेक्स स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये यहाँ पे ये आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखूँ तो अगर मैं बोल दूँ तो इसको ले सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा में ले सकता हूँ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक, आइडेंटिटी के हिसाब से टेन स्क्वायर थीटा क्या ले सकता हूँ मैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का वन लिख सकता हूँ। तो क्या करना है, बस पहले आपको सेक्स थीटा, पहले आपको टेन स्क्वायर थीटा पता कर लेना। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसी में रखिए आप इक्वेशन में, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वन। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का फोर फोर या सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का टू एक्स, तो मतलब वन अपॉन टू। क्लियर, ठीक, यहाँ से कितना है बस माइनस का वन है ना। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे वो तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वन अपॉन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, और यहाँ कितना है सॉल्व करने पर यहाँ से आ जाएगा माइनस का वन बाई टू आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का वन बाई टू। तो अगर मैं देखूँ तो ये कुछ नहीं एक्चुअली एक्स माइनस वन अपॉन फोर एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन में फोर एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्लियर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जो टेन थीटा हो जाने वाला है आपके पास, जो टेन थीटा हो जाने वाला है वो क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस का, प्लस माइनस का एक्स माइनस का वन अपॉन में फोर एक्स। ठीक है, ठीक, यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, मतलब ओवरऑल देख लीजिए कि टेन एक्स इक्वल हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस का वन अपॉन में फोर एक्स, ये ब्रैकेट में एक्स माइनस का वन अपॉन में फोर एक्स यहाँ पे प्लस माइनस का। अब देखिए सेक थीटा कितना दिया, एक्स प्लस वन अपॉन में फोर एक्स, टेन थीटा कितना दिया, हम पॉजिटिव कर रखें तो हो जाएगा एक्स माइनस का वन अपॉन में फोर एक्स। ठीक, देखिए ये प्लस से ये प्लस कैंसिल, कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स इक्व टू टू एक्स, ये प्रूव हो गया। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ये आपका सी बी एस ई 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े तरीके से आया होगा, आज हमने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक, ट्राई करिएगा जितने क्वेश्चन आपसे हो सके हो जाएं, जो डाउट है जो प्रॉब्लम है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल, बाय बाय।